हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट वन स्टैंडर्ड फाइव महाराष्ट्र बोर्ड, ओके ईवीएस वन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। बाकी हाफ सेमेस्टर मैंने आप लोगों को, मतलब सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों को मैंने पूरा अपलोड करके दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ अवर अर्थ एंड अवर सोलार सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अवर अर्थ, अर्थ क्या है हमारा, मतलब जहाँ हम रहते हैं, इट इज़ अवर अर्थ, अवर प्लानट अर्थ। एंड अवर सोलार सिस्टम, जहाँ पर अर्थ है वो जगह को सोलार सिस्टम कहा जाता है। अर्थ के साथ और कई प्लानट्स भी हमारे साथ इवॉल्व करते हैं। ओके, आपको इसके बारे में डीपली आगे पता चलेगा। ओके, तो चलिए अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ तो मालूम है आप लोगों को, जहाँ हम रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, उस प्लैनेट को अर्थ कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई, हम जब ज़मीन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें एक सीधा और साफ आसमान दिखता है, स्काई दिखता है। इन अ क्लीन नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार्स, दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हम रात के समय काफ़ी सारे तारे देखते हैं, लेकिन वो जो तारे हैं वो बहुत दूर है अर्थ से। ओके, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल्ड, सम आर टाइनी एंड फेंट। इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। कुछ जो स्टार्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे और टिमटिमाते होते हैं। ठीक है, स्टार्स तारे टिमटिमाते हैं, राइट, ओके, ट्विंकल करते हैं। तो इफ़ वी, अगर हम उन्हें देखें, केयरफुली देखें, ध्यान से देखें, तो कुछ जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं तो कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ फ्लक्चुएट होते हैं तो कुछ फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मतलब ट्विंकल होना। ओके, समझ गया होगा आपको ट्विंकल होना कैसे होता है। ओके, द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ, सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एट्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज़। ठीक है, जो सन और मून है, सन जो हमें सुबह के समय और दोपहर के समय, दिन के समय दिखता है वो होता है सन, ऑब्वियसली यू नो दैट। और मून जो हमें रात के समय दिखता है, चांद और सन यानी कि सूरज, तो ये दोनों जो है हमें गोल क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनका शेप गोल है। और बाकी प्लैनेट्स जो अर्थ से थोड़े दूर हैं, वहाँ से तो ये सन और मून भी क्लियरली नहीं दिखता होगा। ओके, क्योंकि वो बहुत दूर है, फिर भी सन और मून हमसे अर्थ से थोड़ा क्लियर है, थोड़ा क्लोज है, इसके लिए हमें उनका शेप प्रॉपरली क्लियरली दिखता है। ठीक है, द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, ये जो सब जो भी है ना, सन जो है, जो मून है, जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, ये सब जो है वो उन्हें कहा जाता है हेवनली बॉडीज़। ठीक है, हेवनली बॉडीज़, इन्हें याद रखना। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का क्लियर। अभी नीचे देखते हैं, अभी हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्स क्या होता है, स्टार्स तो आप जानते हैं, जो ट्विंकल होते हैं, जो टिमटिमाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जो हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है, यहाँ से क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, तभी हमें वो दिखते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं दिखते, अगर उनके पास लाइट नहीं होती तो हमें नहीं दिखते। ओके, तो स्टार्स जो है उनके पास खुद की लाइट होती है, ये याद रखना। ओके, द सन इज़ अ जायंट, सन इज़ अ स्टार, सन भी एक स्टार है, जो सूरज है वो भी स्टार है। इट इज़ क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स, हैंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। अभी यहाँ क्या लिखा है, सन हमें क्लियरली इसके लिए दिखता है क्योंकि सन भी एक स्टार है, और वही हमें सबसे क्लियरली इसके लिए दिखता है क्योंकि वही हमसे सबसे क्लोज वाला स्टार है। बाकी जो स्टार्स हैं ना वो बहुत दूर दूर है, सन से भी दूर है। ठीक है, इसके लिए वो हमें क्लियरली और हमें डार्क और ब्रिलियंट एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है, और उसकी चमकती हुई रोशनी की वजह से, अर्थ पे उसकी चमकती हुई रोशनी की वजह से हम दूसरे स्टार्स को नहीं देख सकते। ठीक है, जो दूसरे स्टार्स जो टिमटिमाते हैं वो हम इसकी तेज़ लाइट से हम नहीं देख सकते। ओके, अभी प्लैनेट्स क्या होता है वो देखते हैं। The heavenly bodies that do not twinkle are called planets. अभी जो twinkle नहीं करते, जिनकी खुद की light नहीं होती है, planets do not have their own light. They get light from the stars. ठीक है, planets revolve around the star even as they rotate around themselves. ठीक है,
ओके, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्लैनेट्स जो है वो भी एक हेवनली बॉडी है जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट डू नॉट ट्विंकल, वो ट्विंकल नहीं करते हैं, हम जब प्लैनेट पे रहते हैं तो वो प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है। इसको इसका डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आएगा, प्लैनेट्स और स्टार्स का, याद रखो, इसको ब्रैकेट लगा दो, स्टार्स में भी आपको बताता हूँ कहाँ ब्रैकेट लगाना है। पहले तो आप अपने टेक्स्ट बुक में प्लैनेट्स का फर्स्ट लाइन को ब्रैकेट लगा दो, ओके, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जो ट्विंकल नहीं करते हैं, जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स, ओके। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनको खुद की लाइट नहीं होती है, उनको लाइट कहाँ से मिलती है, दूसरे स्टार्स से, जैसे भी सन भी जो है, ये सन है ना, ये भी एक स्टार है, उसके तरफ से हमें एक लाइट मिलती है तभी, ओके, क्यों, तभी यहाँ पे लाइट आती है ना, सन से हमें लाइट मिलती है ना, हम प्लैनेट अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, राइट, वो स्टार नहीं है, अर्थ इज़ नॉट अ स्टार, सन इज़ अ स्टार, तो यहाँ से सन से हमें लाइट मिलती है, ठीक है, सन से हमें लाइट मिलती है, हम या प्लैनेट खुद की लाइट क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार, प्लैनेट्स सन के तरफ रिवॉल्व करता है, ओके, आपको मालूम है ना रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, रिवॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ये सन है, दिस इज़ अ सन, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी जो है ये ऑर्बिट है, ठीक है, तो सन अर्थ जो है वो यहाँ से इसके तरफ, इसके चारों ओर घूमता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्व, इसको रिवॉल्व कहते हैं, ठीक है, समझ गया, समझ में आया आपको, रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ओके, आई होप सो आपको समझ गया होगा, ठीक है, किसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, जो ये सन है, फिर से बता देता हूँ, और ये जो है अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट है, जहाँ अर्थ जो है चारों तरफ सन के चक्कर लगाता है, ठीक है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन, और रोटेशन किसे कहते हैं, रोटेशन, ये देखिए एक और बार सन दिखाता हूँ, सन और ये जो है वो अर्थ का ऑर्बिट है, तो जो अर्थ है वो अपने आप में भी घूमता है और यहाँ पे भी घूमता रहता है साथ साथ में, ठीक है, मतलब खुद भी घूम रहा है, अपने आप में भी गोल गोल घूम रहा है और चक्कर भी लगा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोटेशन, ठीक है, इज़ इट वेरी क्लियर, मुझे तो लगता है आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा, रोटेशन रिवॉल्यूशन बहुत इजी होता है। अभी हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अवर अर्थ इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, लर्न कर दो इसको। हमारा अर्थ जो है एक प्लैनेट है, उसको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, और इट मूव्स अराउंड द सन, वो ये जो है वो सन के तरफ चारों ओर घूमता है, ये सन है और अर्थ जो है, वन सेकेंड मैं फिर से बना के दिखाता हूँ, ये सन है और ये जो है अर्थ की ऑर्बिट है और वो चारों ओर घूमता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ये अर्थ है, इसको क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन, अभी भी मैंने बताया ना, अभी भी बताया, इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट, इसकी मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इसकी मूवमेंट, इसको ज़रा ध्यान से लर्न करो, हाँ, इस पर गौर लगाओ, इसको ध्यान से देखो, मूवमेंट, हाँ मूवमेंट, भूल जाते हैं बच्चे, इस पर ध्यान दो, मूवमेंट, इट्स मूवमेंट, उसकी ये जो घूमने वाली जो एक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ओके, याद रखो, ओके, बार बार बोलते जाओ, लेकिन समझना है आपको, समझ में आया होगा आई थिंक सो, ओके। बिसाइड्स अर्थ, अर्थ के साथ साथ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ के साथ साथ, बिसाइड्स मतलब साथ साथ में, अर्थ के साथ साथ 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के तरफ चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें वो कौन से प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ओके, ये तो आपको मालूम होंगे, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, ओके, ये नाम है, याद रखो इसको, वीनस, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 अदर प्लैनेट्स, ओके,
ये हो गया हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पे जो ये सन का जो फोटो है, देखो आपको जो दिख रहा है, ये एक फोटोग्राफ है जो कि अर्थ की स्पेस से ली गई है, ओके, एक मैनमेड सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको मालूम है क्या होती है, जो सन अर्थ के चारों ओर घूमती है, अर्थ के चारों ओर घूमती है सैटेलाइट, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके एटमॉस्फेयर की, ओके, उसे कहते हैं सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट से अर्थ का ये फोटोग्राफ लिया गया है। बस ये हो गया हम लोगों का क्लियर। अभी और कितना चैप्टर है, ये एक पेज और दूसरा तीसरा, दो और पेजेस हैं, बट छोटे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। एवरी प्लानेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, ओके। हर प्लानेट सन अर्थ के साथ साथ जितने और भी प्लानेट्स हैं ना, वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, सॉरी सन के चारों ओर घूमते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फोटोग्राफ दिया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है आप लोगों को। हर प्लानेट जो है वो सन के चारों ओर भटकता नहीं, सॉरी घूमता है, ओके, चक्कर लगाता है। ये देखिए मर्क्यूरी जो है, ये है मर्क्यूरी, सबसे क्लोज है वो सन के, और ये है वीनस, ये है अर्थ। वन सेकेंड, अर्थ क्लियरली दिखाता हूँ, ओके, ये देखिए बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है यहाँ पे। मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ओके, ये अर्थ है, हमारा अर्थ, और इसके साथ जो मून है, हमारा जो मून है जो अर्थ के चक्कर लगाता है, याद रखना इसको, मून सन के चक्कर नहीं लगाता है, वो अर्थ के चक्कर लगाता है, वो एक्चुअली यस वो सन का भी चक्कर लगाता है, लेकिन अर्थ के कोऑर्डिनेशन में घूमता है, वो अर्थ के साथ साथ घूमता है, ठीक है, याद रखना, अर्थ के साथ साथ घूमता है। और ये है मार्स, ठीक है, जो अर्थ के बाद है वो मार्स है, वीनस अर्थ के पहले आता है, बाद में आता है, और मर्क्यूरी वीनस के बाद में आता है, इसको याद रखना। और ये एस्टेरॉइड्स, मतलब जो पत्थर, जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो घूमती है ना स्पेस में, बहुत जो एस्टेरॉइड्स जो कभी कभी प्लैनेट्स हम अर्थ में भी एक दो बार गिर चुके हैं, ओके, तो उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो चट्टानें, जो पत्थर जो स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं हम, एस्टेरॉइड्स कहते हैं, याद रखना है इसको, एस्टेरॉइड्स, ओके। और भी है, ओके, यहाँ पे भी है, सॉरी मैं दिखा नहीं, मुझे अब बता देता हूँ, ओके, जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ओके, याद रखना है इस बात को। देन सैटर्न आता है, देन यूरानस आता है, देन नेपच्यून, और जो प्लूटो है ये भी एक प्लैनेट है, बट वो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो छोटा सा प्लैनेट है, जिसे मान्यता नहीं दी जाती है, इतना नहीं माना जाता है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना, ड्वार्फ मतलब बौना, मतलब छोटा प्लैनेट, हाइट में छोटा प्लैनेट, बहुत छोटा सा प्लैनेट है, ओके, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट। आगे पढ़ते हैं, हाँ, दिस पाथ इज शोन इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन विच इज़ अ स्टार एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। बिसाइड्स द प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज, ओके। हेवनली बॉडीज़ का मतलब क्या है, सीधा सरल अर्थ क्या है उसका, जो भी बॉडी, जो भी मटेरियल, जो भी मैटर, जो भी चीज़ सोलर सिस्टम में, जो स्पेस में घूम रही है, उसे हम हेवनली बॉडी कहते हैं। ये जो भी चीज़ है, सन भी एक हेवनली बॉडी है, ये सारे प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो, यूरानस, ये सब जो भी है, ये सब हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है। और जो ऑर्बिट है, जो पाथ मतलब उसका रास्ता, अर्थ कैसे घूमता है, एक ही रास्ते में घूमता है, ये अर्थ का रास्ता है, अर्थ इसी रास्ते पे चक्कर लगाता है, ओके, अर्थ इसी रास्ते पे, वीनस इसी रास्ते पे चक्कर लगाता है, मर्क्यूरी इसी रास्ते पे, कोई भी एक दूसरे के रास्ते पे नहीं आते हैं, वो सीधा सीधा अपने ही रास्ते पे गोल गोल घूमते हैं। मार्स एक ही रास्ते पे, देखिए मार्स का अलग रास्ता है, ओके, और ये जो है ये जुपिटर का रास्ता है, जुपिटर भी अपने ही रास्ते पे चलता है, सैटर्न अपने रास्ते पे, यूरानस अपने, नेपच्यून अपने, सभी अपने रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी रास्ते पे, कोई ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं चलते हैं, सभी एक ही रास्ते पे, ओके, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, पाथ मतलब इसको, इस जो रास्ते हैं, ये जो रास्ता है, इसे क्या कहेंगे हम, ऑर्बिट, ORBIT, इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, ये जो वाइट वाइट लाइन दिख रहे हैं इसे ऑर्बिट कहेंगे, याद रखो इसको, ऑर्बिट,
ओके ऑर्बिट, समझ में आया आपको? ये सारी चीज़ें एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मून्स, जो भी है। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अ डायग्राम ऑफ आवर सोलार सिस्टम। ये जो डायग्राम है, ये पूरा सोलार सिस्टम है। ये जो भी है ना सोलार सिस्टम ओके, सिस्टम है ये पूरा। प्लैनेट्स के सिस्टम को क्या कहा जाता है? सोलार सिस्टम। प्लीज़ नोट, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे सिर्फ अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून है। ओके, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के पास अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, लेकिन वो नेचुरल सैटेलाइट्स। अर्थ के पास मैनमेड सैटेलाइट्स भी होती है। सभी प्लैनेट्स के पास अपने अपने मून्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है इस बात को। लेकिन यहाँ हमें अर्थ का ही पढ़ना है, सभी प्लैनेट्स का नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ अर्थ का ही नेचुरल सैटेलाइट दिया है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया अदर हेवनली बॉडीज इन दी सोलर सिस्टम। दूसरे हेवनली बॉडीज मतलब दूसरी चीज़ें जो हमारे सोलर सिस्टम में है, किसके अलावा? सन और दूसरे सारे प्लैनेट्स के और एस्ट्रॉइड्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है। क्या है वो देखते हैं। सैटेलाइट्स, सम हेवनली बॉडीज़, वन सेकेंड, सम हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के अलावा, सन के साथ साथ प्लैनेट्स की भी चक्कर लगाती हैं, जैसे मून जो है, मैंने आपको बताया मून जो है, ये जो मून है हमारा, वो सन का भी चक्कर लगाता है अर्थ के साथ, लेकिन वो पहले किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। पहले वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, समझ में आया? उसे हम उन जो हेवनली बॉडीज हैं, जो प्लैनेट्स, जो हेवनली बॉडीज जो अर्थ का है, सॉरी, जो किसी भी प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। सैटेलाइट्स को भी उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो उनको जो लाइट होती है वो मिलती किससे मिलती है? सन से मिलती है। वी सी द मून एट नाइट। हम जो मून को देखते हैं रात के समय, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हम जो रात में चंदा मामा को देखते हैं, चांद को देखते हैं, मून को देखते हैं, वो अर्थ का चक्कर लगाता है। मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। हम सुबह में हम मून को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा नहीं है मून जो है वो डूबता नहीं है। बहुत लोग, बच्चे सोचते हैं कि मून भी कहीं डूबता होगा। नहीं, मून वहीं रहता है, मून वहीं ही रहता है। लेकिन जो है मून को लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है। अभी रात में सन नहीं रहता है, वो दूसरी तरफ चला जाता है, सॉरी, अर्थ जो रोटेट रिवॉल्व होता है, इस वजह से सन जो है वो एक ही तरफ दिखाई देता है, ठीक है। इस वजह से जिस तरफ रात रहती है, जिस तरफ अंधेरा होता है, उस तरफ मून क्लियरली क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सन वो टाइम पे नहीं रहता है। ओके, समझ में आया? मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। ज़्यादा जो ऑलमोस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनको खुद की सैटेलाइट्स यानी खुद के मून्स हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और भी है द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के तरफ चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ ही अपने सैटेलाइट को लेके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मून, जिस तरह मून जो है हमारा चंदा मामा है, वो अर्थ के साथ साथ चक्कर लगाता है ना सन का, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ अपने सैटेलाइट्स के साथ ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है, अपने सैटेलाइट्स के साथ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया? इज इट वेरी क्लियर? ओके, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौने प्लैनेट। देर आर स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में कुछ छोटे प्लैनेट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑफ दीज द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो, ठीक है। उनमें सबसे जाना पहचाना जो प्लैनेट है वो प्लूटो है। ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब उनके खुद के पाथ नहीं होते, वो एक रास्ते पे, जैसे पाथ क्या है? एक रास्ता है जो सन के चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता है ना, इसको ऑर्बिट कहा जाता है। अभी भी मैंने पढ़ाया था, याद रखो हाँ इसको, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट्स को खुद का ऑर्बिट नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे ही कहीं पे भी भटक के घूमते हैं, ठीक है, क्लियर है। उनको खुद का ऑर्बिट दे एक सेकेंड व्हाट इज़ रिटन
देर आर स्मेलर ऑफ दीज द मोस्ट वेल ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंडली अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली. ओके ओके सॉरी सॉरी, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, उनके पास भी ऑर्बिट होती है, यहाँ पे है. ओके है, लेकिन हाँ अभी आपको मेरे को समझ में आया. ओके ओके बताता हूँ मैं. देखिए ड्वार्फ प्लैनेट की ऑर्बिट जो होती है ना वो अलग होती है, वो थोड़ी लंबी और थोड़ी अलग होती है, ठीक है. अभी ये समझो, ये प्लूटो, प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये प्लूटो है. ओके ये प्लूटो का ऑर्बिट है और यहाँ पे सन है, सन है और यहाँ पे बाकी के प्लैनेट्स का है. ओके ये नॉर्मल है, लेकिन प्लूटो का थोड़ा सा लंबा रहेगा और थोड़ा सा अजीब रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा. ओके समझ में आया आपको. ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो प्लूटो है ना, ये है प्लूटो, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट, इसका थोड़ा ऊपर जा रहा है. ओके इसका थोड़ा अलग ही दिशा में जा रहा है, तो इन्हें हम लोग इंडिपेंडेंट ऑर्बिट कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑर्बिट कहेंगे. क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट ऑर्बिट. इज़ इट वेरी क्लियर? बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है. ड्वार्फ प्लैनेट को खुद की ऑर्बिट प्रॉपरली नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली घूमते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्बिट में घूमते हैं. इज़ इट वेरी क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं. एस्ट्रॉइड्स, इसके बाद लास्ट आई थिंक ग्रेविटी एक टॉपिक है, एंड देन बस इसके बाद ये यही लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है एस्ट्रॉइड्स. बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देर इज़ अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए जुपिटर ये प्लैनेट यहाँ है और इस मार्स ये यहाँ है. ओके मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो है ना, ये जो मार्स का जो लाइन है ना और ये जुपिटर का लाइन है, ठीक है, ये जुपिटर का लाइन है. तो इनके बीच में एक बैंड है, एक मतलब एक बेल्ट है, एक बेल्ट है, देखिए एक बेल्ट जैसा है. ये जो इलाका है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, चट्टाने हैं. इन्हें हम क्या, न्यूमरस हेवनली बॉडीज़, इन्हें क्या कहेंगे, न्यूमरस हेवनली बॉडीज़, ठीक है, न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडी, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, ठीक है, न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज़, उन्हें क्या कहेंगे हम, एस्ट्रॉइड्स कहेंगे. दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड्स भी देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं, ये भी घूम रहे हैं, हाँ ये भी घूम रहे हैं, किसके तरफ, सन के चारों ओर घूम रहे हैं. ये सन है ना, इसके चारों ओर घूम रहे हैं. एस्ट्रॉइड्स क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं, ओके, जो कि बहुत सारे हैं, अनगिनत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनको गिना नहीं जा सकता, न्यूमरस बहुत सारे हैं, ठीक है. कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन सोलर सिस्टम आर मच स्मॉल. सन सबसे बड़ा जो हेवनली बॉडी सबसे बड़ा हेवनली बॉडी है सन. बाकी कंपेयर करेंगे सन से तो बाकी सब जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे हैं. ओके क्लियर है. ओके दैट इज़ व्हाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग, ऑल दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन दी, एक सेकेंड. ओके द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज़ व्हाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग, ऑल दो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर देन दी सन. यहाँ अर्थ से हम मून को देखते हैं, चंदा मामा को देखते हैं और अर्थ सन को देखते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट एक्चुअली इक्वल लगता है ना कभी कभी, तो लेकिन वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ से बहुत आगे है और सन जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से वो हमें मून की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन सन जो है मून से बहुत बहुत बड़ा है. देखिए यहाँ पे आपको मून दिख रहा है कितना छोटा है और सन कितना ज़्यादा बड़ा है. ओके समझ में आया आप लोगों को. अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो, इन इट यू सी द सन इन द सेंटर, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स, द प्लैनेट्स सैटेलाइट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सन जो है वो बीच में है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं और एस्ट्रॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं. वैसे प्लूटो के अलावा बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ये तो एक हमें पता है, बाकी इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि हमें वो पता भी नहीं हो सकते हैं. ओके इतने ज़्यादा हैं, ठीक है. चलिए ग्रेविटी लास्ट टॉपिक उठा रहे हैं अभी. ओके ग्रेविटी, ऑल हेवनली बॉडीज एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल वन ऑन वन अनदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ग्रेविटी सभी को पता है. ऑल हेवनली बॉडीज, जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में हैं, वो एग्जर्ट करते हैं एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे हेवनली बॉडीज़ के ऊपर, और उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं. जैसे सन जो है, सन
जो है वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखता है ताकि सारे प्लैनेट्स एक लाइन में घूमें। ओके, ये ग्रेविटी एक फोर्स है जो सोलर सिस्टम में पाया जाता है। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि सन के तरफ चारों ओर ये क्यों घूमते हैं, ये सारे प्लैनेट्स, आठ प्लैनेट्स चारों ओर क्यों घूमते हैं, क्योंकि सन ने एक ऐसा फोर्स लगाया हुआ है इन सब प्लैनेट्स के ऊपर, एक जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े के ऊपर एक लगाम होती है जो घोड़ा गाड़ी वाला खींचता है, तो वो घोड़ा उसके हाथों में रहता है, घोड़ा उसके हाथों में रहता है, घोड़े वाले के हाथों में रहता है। तो इसी तरह सन को भी एक घोड़े वाले समझो और ये जो सारे प्लैनेट्स की जो ये ऑर्बिट्स हैं ना उनको एक लगाम समझो, और सन ने एक लगाम लगा के रखी है सारे प्लैनेट्स के ऊपर ताकि प्लैनेट्स जो है वो उसके हाथों में रहें। ठीक है, अगर सन ये फोर्स नहीं लगाता, सन ये फोर्स नहीं लगाता सारे प्लैनेट्स के ऊपर, तो ये जो प्लैनेट्स है वो एक बहुत ही इधर उधर हो जाते, पूरे सोलर सिस्टम में इधर उधर भटक जाते। नहीं तो अगर सन नहीं लगाता फोर्स तो जो सारे प्लैनेट्स हैं ना वो इधर उधर, कोई इधर कोई इधर कोई इधर घूमता। इसीलिए सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है वो इस तरह घूमते हैं, क्योंकि सन ने एक फोर्स लगा के रखा है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है, इज इट वेरी क्लियर, ग्रेविटी, ग्रेविटी याद रखो। ठीक है, समझ में आया, ग्रेविटी किसे कहते हैं, द सन एग्जर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स वेयर एज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट्स इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, जो सन है वो एग्जर्ट मतलब डालता है, एग्जर्ट करता है ग्रेविटेशनल पुल, खींचता है, खींचना मतलब पुल करना, ऑन ऑल प्लैनेट्स सभी प्लैनेट्स के ऊपर, नहीं तो सारे प्लैनेट्स इधर उधर, टेंडेंसी मतलब प्लैनेट्स की आदत है कि वो इधर उधर भटक जाते, सन से इधर उधर भटक जाते, ठीक है, दूर दूर हो जाते। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस अ प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। एज अ रिजल्ट, इस तरह इस फोर्स के कारण प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं प्लैनेट्स सन के अराउंड, और अपने सैटेलाइट्स को भी साथ में लेके रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, पीपल ऑलवेज बीन क्यूरियस, हैव बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काई, दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम, हाउएवर टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इन टू स्पेस इट मस्ट बी गिवन पावर, इट मस्ट बी गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पज। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि स्काई में क्या है, स्पेस में क्या है आखिरकार, ताकि हमें हमारी इच्छा होती है, ऊपर देखते हैं हम स्टार्स देखते हैं, सन देखते हैं, मून देखते हैं। ओके, हमें इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम वहाँ जाएं और देखें, उन्हें सामने से देखें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको वहाँ पहुँचने के लिए ग्रेविटी जो है, हमारे अर्थ में भी ग्रेविटी है, आपको मालूम है ना, न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, एप्पल की स्टोरी आपको मालूम होगी। ओके, तो हमारे अर्थ के सेंटर पे भी ये ग्रेविटी वाली फोर्स है जो हमें इंसानों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे टिकाए रखती है। अगर ग्रेविटी फोर्स हमारे अर्थ में नहीं होती तो हम आसमान में उड़ते रहते। ओके, हम ज़मीन पे खड़े नहीं हो पाते, जिस तरह हम स्पेस में, आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, कई कार्टून्स में देखा होगा कि स्पेस में कई जो ऑब्जेक्ट्स हम भेजते हैं, जैसे रॉकेट भेजते हैं, तो वो कहीं गिरता नहीं है, वो हवा में उड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। ओके, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है इस वजह से। ओके, ग्रेविटी हर जगह होती है, लेकिन स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं है इसके लिए वहाँ ग्रेविटी नहीं है। ओके, स्पेस खाली है एकदम। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमें वहाँ जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए हमें ग्रेविटी के फोर्स के खिलाफ जाना पड़ता है। ओके, ग्रेविटी बहुत तेज़ होती है, हमने एक बॉल ऊपर फेंका, हमने इसको ऊपर फेंका आसमान की तरफ, तो वो फिर से ऊपर गया तो वो फिर से नीचे आएगा। ओके, जब हम खेलते हैं तो ऊपर भेजते हैं तो नीचे आता ही है, तो ये क्या है, ये भी ग्रेविटी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ग्रेविटी है, वो बॉल को ग्रेविटी नीचे खींच रही है। ठीक है, इसी तरह हम समझिए, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से, बिल्डिंग है ये और ये टेरेस के ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे ज़मीन है, तो आप गिरेंगे तो आपको बहुत तेज़ी से गिरेंगे, तो ये भी क्या है, ग्रेविटी है, आप ऊपर तो नहीं जाएंगे, आप नीचे ही जाएंगे, राइट, तो ये क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसे कहा जाता है। इज़ इट वेरी क्लियर, तो हमें स्पेस में जाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ जाना पड़ता है ताकि हम नीचे नहीं गिरें। तो इसके लिए
वन ऑफ दी दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट. इट इज पैक्ड विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज. दिस द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. द डिजाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट फायर क्रैकर इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड. ठीक है, जो दिवाली, जो हम दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं, वो उनमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उन्हें बहुत तेज़ी से ऊपर भेजते हैं. ठीक है, इसीलिए वो इसीलिए उन्हें रॉकेट कहा जाता है. ओके, तो वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड अस, उनमें भी पावर होती है ताकि वो ऊपर जाते हैं. राइट, दिवाली फायर आपने जलाए होंगे रॉकेट्स, जब आप ऊपर भेजते हो तो वो नीचे नहीं आते ना, वो ऊपर ही फट जाते हैं. राइट, तो उसमें भी दिवाली फायर क्रैकर में भी ऐसा कुछ, रॉकेट में भी, रॉकेट फायर क्रैकर में भी ऐसा कुछ होता है जिसमें उसमें पावर होती है. ओके, इसमें ऐसे कुछ सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो ग्रेविटी के खिलाफ होती है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में होते हैं. ओके, चलिए, वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड स्पेस क्राफ्ट इन टू स्पेस. अब ये जो रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस में भेजने के लिए होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पावर. ये देखिए यहाँ पे जो थ्रस्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट कहते हैं इसे. ओके, थ्रस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा पावर डाली जाती है ताकि जो रॉकेट है वो हमें बहुत ऊपर भेजना है ना, अर्थ के एकदम ही दूर भेजना है, इसके लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा पावर डालनी पड़ेगी. वेरी पावरफुल लिखा ना यहाँ पे, वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस. स्पेस में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल यूज़ की जाती है. अ ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्नड इन रॉकेट सो दैट स्पेस क्राफ्ट वेइंग थाउजेंड्स ऑफ टन्स कैन बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस. बहुत ज़्यादा इसका फ्यूल इसमें डाला जाता है ताकि फ्यूल की कमी की वजह से जो रॉकेट है वो नीचे ना गिरे. ठीक है, इन द 20th सेंचुरी अ फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हैज सेंट हंड्रेड्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस. अवर कंट्री इज वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. 20th सेंचुरी यानी कि अभी वाली जो सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में पिछले सेंचुरी से ही, नॉट अभी वाली सेंचुरी, पिछले सेंचुरी 1950s से ही कुछ कंट्रीज़ ने डेवलप कर लिया था. ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ताकि मतलब ये स्पेस टेक्नोलॉजी इसको डेवलप कर लिया था अपने कंट्रीज़ में, और हमारा देश भी इसमें बहुत वेल डेवलप्ड है. अभी धीरे धीरे वेल डेवलप हो रहा है. ठीक है, अब अच्छी वेल डेवलपमेंट की वजह से हमारा देश भी जाना जाता है. हमारे देश में कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही कॉमन है, आप सबको जानना, आपको पता होना चाहिए, वो है इसरो, ISRO, याद रखना हाँ इसको, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, इसरो, आपको ये बेसिक्स में जानना, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये जो है ना राकेश शर्मा जी, ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो पहली बार 1984 में जिन्होंने स्पेस में गए थे और उन्होंने 8 दिन स्पेस में बिताए थे. ठीक है, स्पेस स्टेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया गया है. ये ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट जैसा ही है, स्पेस क्राफ्ट ही है, मतलब स्पेस बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जहाँ पर रिसर्च होती है. ठीक है, ओके, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. आई थिंक ये थोड़ा बड़ा चैप्टर, बड़ा चैप्टर तो नहीं है लेकिन आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है ना. आपको मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा, मोशंस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ. ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. ओके, टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.